नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबरों की तरफ। प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के चलते डोईवाला के रानी पोखरी भोगपुर क्षेत्र की नदियों में अचानक जल स्तर बढ़ गया है, जिसके चलते ऋषिकेश देहरादून हाईवे पर कई सालों पुराना पुल धड़धड़ाकर टूट पड़ा। ये पुल इस रास्ते को जोड़ता था। बता दें कि इस हादसे के वक्त पुल के ऊपर से गुजर रही गाड़ियां भी नीचे गिर पड़ी। देहरादून से ऋषिकेश सप्लाई करने जा रही गाड़ियों का ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल है और इसके बाद हेल्पलाइन नंबर 108 की मदद से घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। तो हेल्पलाइन नंबर 108 की मदद ली गई, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भेजा जा चुका। तो लगातार भारी बारिश के कारण ये जो पुराना पुल है वो टूट गया। आज की हमने तस्वीर देखी कि कई जगह से सड़क टूटने की और वाहन बहने की जो तस्वीरें हैं वो लगातार भारी बारिश के चलते आ रही हैं। और ऐसे में डोईवाले से खबर, जहां पर हेल्पलाइन नंबर 108 की मदद से इस हादसे में घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो लगातार बारिश के कारण ये हादसा हुआ है, जो पुल है वो टूट गया है, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। तो लगातार भारी बारिश के कारण ये पुराना पुल जो है वो टूटा है, उसके वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आने जाने वाली जो वाहन है, जो बड़ी गाड़ियां हैं, उनको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। रास्ता बंद है, ना लोग आ जा सकते हैं, ना वाहन आ जा सकते हैं। तो ऐसे में सप्लाई करने में भी काफ़ी परेशानियां आ रही हैं, क्योंकि रास्ता जो है वो बाधित हो गया है। और लगातार इस रास्ते को सही करने की और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको करने की जो लगातार प्रशासन की कोशिशें हैं वो जारी हैं। तो लगातार बारिश होने के कारण ये पुराना पुल जो है वो टूटा है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुल टूटा है। यहाँ पर गाड़ियाँ भी फंसी हुई हैं और पुल टूटने से जो ऊपर जो गाड़ियाँ उस वक्त चल रही थी वो भी नीचे धंस गई और वो भी पुल से नीचे गिर पड़ी। तो बारिश होने के कारण, जो लगातार भारी बारिश हो रही है उसके कारण ये हादसा हुआ है, जहाँ पर गाड़ियाँ बाधित हो गई हैं, जहाँ पर गाड़ियों का आना जाना मुश्किल हो गया है, रास्ता जो है वो बाधित हो गया है, पुल बंद हो गया है और लोगों को खासा परेशानियों का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है। हालांकि धीरे धीरे परिस्थितियों को सामान्य किया जाएगा, परिस्थितियों में सुधार किया जाएगा, व्यवस्था की जाएगी, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जहाँ पर लोग भी जमा हैं, लोग भी देख रहे हैं, पूरे इस मंजर को देख रहे हैं जहाँ पर पुल टूटा है। और ये कोई नई बात नहीं है, आमतौर पर ऐसी जो हादसे हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं वो सामने आती रहती हैं, ऐसी जो खबरें हैं वो तस्वीरें देखने को मिलती हैं। भारी बारिश के कारण ये तस्वीर देखने को मिल रही है, इसके बाद जो घायल हैं उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और फोन लाइन पर हमारे संवाददाता संजय शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, आपसे जानकारी चाहूंगी कि मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है, क्या कुछ ताजा जानकारी है? अच्छा, वहाँ पर जो जब पुल टूटा है उससे वहाँ का आवागमन तो बंद हुआ ही है, साथ में पुलिस ने जो है वहाँ चारों तरफ से बंद कर दिया, क्योंकि कोई दोबारा कोई दुर्घटना ना हो जाए, और साथ ही उसकी जांच भी बैठ गई है। पुलिस ने उन लोगों को भी बुलाया है जिन लोगों ने, जिस कंपनी ने जिस काम किया, जिसको बनाने की इसकी जिम्मेदारी थी या उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी थी, उसी के साथ साथ ही जो वहाँ के विधायक थे उन्होंने भी उस पर आके वहाँ का संज्ञान लिया। जो पुल टूटा उसका भी पूरा जायजा लिया जा रहा है कि इसमें कितना नुकसान हुआ है और अब इसको दोबारा किस तरीके से बनाया जाएगा। संजय, घायलों की स्थिति इस वक्त क्या कुछ बनी हुई है, अगर उनके परिजनों से आपसे बात हो पाई हो तो इस बारे में क्या कुछ जानकारी, क्या स्थिति बनी हुई है घायलों की? जी, घायल ज्यादा तो नहीं है, लेकिन यह है कि हाँ, एक दो लोग गंभीर रूप से घायल थे जिनको हॉस्पिटल में भेज दिया गया, और किसी परिजन से हमारी बात नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ पर काफी वीआईपी लोग आ जा रहे थे, जिसकी वजह से हमारे को वहाँ से स्पॉट से जो जीरो ग्राउंड जीरो से हम जा नहीं पाए, इसलिए हमारी किसी घायल के परिजनों से बात नहीं हो पाई। जी संजय, ये जो पुल बाधित हुआ है इसके कारण अब जो गाड़ियां फंसी हुई हैं, क्या उनको निकाल लिया गया है? निकाल लिया गया है, या जो बाइक के और जो वैसे गाड़ी बह गई थी उनको अभी नहीं निकाला है, लेकिन जो वहां पर उस स्लैब के ऊपर जो रखी हुई गाड़ियां थी ना उनको निकाल लिया गया है। और
साथ ही उनको जो दूसरी गाड़ियां वही है उनके लिए रेस्क्यू चल रहा है, जो लोग वहां से अपनी गाड़ियां वगैरह छोड़कर जो घायल थे उनको निकाला था, साथ ही अब जो स्थिति है कंट्रोल में है फिलहाल। जी संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जो बारिश हो रही है उसके कारण ये पुराना पुल है जो कि टूट गया है। हालांकि घायलों को 108 हेल्पलाइन की मदद से अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जान माल का नुकसान नहीं है। तो ऐसे में बाधित हो गया है ये जो रास्ता है, जो आने जाने वाले लोग हैं उन्हें खासा परेशानियों का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है, और लंबे समय तक, क्योंकि लंबा समय लगेगा ही इन चीज़ों को वापस से व्यवस्थित करने में। और वहीं चंबा ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क पर टूटने से बंद हो गया है। दरअसल देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण चंबा ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया, जिसके बाद अब लोगों को और आवाजाही में भी भारी दिक्कतों का सामना अब करना पड़ रहा है। सड़क दोनों तरफ से टूट चुकी है, जिससे सड़क को फिर से बनाने में अभी वक्त लग सकता है। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत हुए कामों को लेकर स्थानीय लोगों ने कई तरह के सवाल भी अब खड़े कर दिए हैं। जाहिर तौर पर लोगों के सवाल खड़े होने लाजमी भी हैं कि इतने, जब ये आपदा आती है तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। बहुत सालों से, शुरू से देखा जा रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में किस तरीके से प्राकृतिक आपदा आती है, लेकिन इसको लेकर जो सरकारें हैं, जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो मुस्तैद नज़र नहीं आती है। उनकी जो तैयारियां हैं, उनकी जो मैदानी जो व्यवस्थाएँ हैं, वो बिल्कुल ज़ीरो नज़र आती हैं, बिल्कुल फेल नज़र आती हैं। तो लोग अब सवाल खड़े करने शुरू कर रहे हैं कि आखिरकार परिस्थितियां जस की तस क्यों बनी हुई हैं, सुधरती क्यों नहीं है। प्राकृतिक आपदा आती है, इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन इससे निपटने के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं हैं और जो तमाम इंतज़ाम है वो तो किए जा सकते हैं। हर बार ऐसे ही, हर सीज़न में बारिश आती है, भारी बारिश के कारण ऐसे ही जो तस्वीरों में नज़र आ रहा है, सड़क कहीं से कहीं नज़र नहीं आ रही है, टूटी हुई सड़क है, झरने बह रहे हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति बनती है तो लोगों के मन में सवाल ज़रूर खड़े होते हैं। और वही विधानसभा में संख्या बल कम होने के बावजूद भी कांग्रेस प्रचंड बहुमत की सरकार पर भारी पड़ती नजर आ रही है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पहले के मुकाबले ज्यादा धारदार दिखाई दे रही है। उपनेता करण मेहरा का भी नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को पूरा साथ मिल रहा है। हर दिन कांग्रेस विधायक अपने विरोध के तरीकों से आम जनता का ध्यान खींचने के साथ ही सदन में मुद्दों को जोरदार तरीके से उठा रहे हैं। प्रश्नकाल हो या फिर नियम 58 के तहत उठ रहे मुद्दे, विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट हो रहा है और एकजुट होकर ही सरकार को घेरने का काम भी कर रहा है। साथ ही कई बार मंत्री जवाब देने में खुद को असहज भी महसूस करने लगते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने तीखे सवाल और कितने धारदार तरीके से जो विपक्ष है वो सरकार के खिलाफ अब खड़ा हो चुका है और घेरे में सरकार आ गई है। शुक्रवार को कृषि कानूनों के खिलाफ गन्ना के समर्थन मूल्य और पहाड़ की फसलों के समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है, और इसी कड़ी में नेता प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष समेत कांग्रेस के तमाम विधायक ट्रैक्टर पर गन्ना हाथ में लिए नारेबाजी करते हुए विधानसभा पहुंचे हैं। इसके बाद विधानसभा में भी सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी जमकर की गई। गन्ना समर्थन मूल्य समेत कई मांगों को लेकर आज उन्होंने ट्रैक्टर रैली निकाली। इससे पहले बीते दिनों से सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक साइकिलों से विधानसभा पहुंचे थे, तस्वीरें भी हमने देखी थी, और उन्होंने पेट्रोल डीजल के साथ साथ रसोई गैस की कीमतों पर बढ़ोतरी जो हो रही है उसको लेकर भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला था। कांग्रेस इस विधानसभा सत्र में किसी भी हाल में सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ना चाहती है। किसान की आवाज दबाना चाहेगी, वो हम नहीं दबने देंगे। ये हमें अंदर गन्ने के साथ नहीं जाने दे रहे हैं, हमारे प्रश्न लगे हुए हैं, हम उसको मिस नहीं होने देंगे। हम अभी अंदर जा रहे हैं, अगर इन्होंने आज हमारे हिसाब से गन्ने का, बाढ़ के किसान का, चक्राता के किसान का, पुरोलागढ़ के किसान का, पुरोला के किसान का, रानीखेत के किसान का अगर कहना नहीं माना तो हम फिर इस धरने को यहाँ जारी रखेंगे। कितनी मांग है आप लोग गन्ने का प्रति किलो?
और वहीं हरिद्वार महाकुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग के घोटाले के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दो स्वास्थ्य अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है और साथ ही सस्पेंशन के साथ ही कड़ा संदेश भी दे दिया है। जांच रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताओं के चलते दो स्वास्थ्य अधिकारियों के निलंबन की कार्रवाई की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जिस दिन मैंने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी उस दिन ही मेरे कान में ये पड़ा था, मेरे संज्ञान में ये आया था, अनेक माध्यमों से ये जानकारी आई थी कि इनमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है, जिस पर हमने जांच कराई और इसमें कि जो दोषी पाए गए हैं जिन पर कार्रवाई भी की गई है, लेकिन अभी भी जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है कुंभ घोटाले में, हरिद्वार महाकुंभ के घोटाले में दो जो अधिकारी हैं उनको आरोपित पाया है और अब सस्पेंड उनको कर दिया गया है। कड़ा संदेश देने की कोशिश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही है और हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि मेरे संज्ञान में ये चीजें जो हैं वो उसी दिन से आ गई थी जिस दिन मैंने सीएम पद की शपथ ली थी। और इंतजार रजा हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। इंतजार आपसे जानकारी चाहूंगी कि अब दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और अब कड़ा संदेश जो है वो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दे दिया है कि कोई भी लापरवाही या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी देखिए मैं आपको बता दूं, जो उत्तराखंड हरिद्वार में महाकुंभ हुआ तो महाकुंभ में कोरोना घोटाले को लेकर के जो जांच चल रही थी सीडीओ के नेतृत्व में जांच की जा रही थी, जिसमें जो हरिद्वार कुंभ घोटाले के दो स्वास्थ्य अधिकारी हैं डॉक्टर अर्जुन संगर और नोडल अधिकारी एन के त्यागी को मुख्यमंत्री के आदेश पर निलंबित कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट में दोनों दोषी पाए गए हैं और कोरोना घोटाला का दोषी मानते हुए दोनों अधिकारियों को सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया है। जी इंतजार इसमें ये बताया गया है कि जो सस्पेंड किए गए हैं उनमें अनियमितताएं पाई गई थी, तो क्या कुछ इनमें खामियां पाई गई जिसके चलते इन दो स्वास्थ्य अधिकारियों को निलंबित करना पड़ा? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, सीडीओ की जांच के अनुसार जो जांच रिपोर्ट मुख्य सचिव स्वास्थ्य सचिव को जो पहुंचाई गई है, जो जांच उसके आधार पर बताया जा रहा है कि 30 लाख रुपए के बिल इन दोनों अधिकारियों के द्वारा बिना जांच के पास कर दिए गए और 30 लाख रुपए का जो धन है वो बिना जांच पड़ताल के बिलों के द्वारा इनको पास कर दिया गया। जी इसी के आधार पर इन दोनों की लापरवाही को देखते हुए कुंभ घोटाले में संलिप्त मानते हुए जो मुख्यमंत्री के आदेश पर इन दोनों अधिकारियों को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है और जांच अभी जारी है। जी इंतजार देखिए सीएम धामी ने ये साफ तौर पर कहा अभी कि मैंने जब पद की शपथ ली थी और गोपनीयता की शपथ ली थी उसी दिन मेरे संज्ञान में ये आ गया था कि महाकुंभ में घोटाला हो रहा है, यानी कि गुपचुप तरीके से काम किया जा रहा था अधिकारियों के द्वारा। जी बिल्कुल देखिए बताना चाहूंगा, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है अपने विधायक कार्यकाल में जब से महाकुंभ घोटाला चल रहा था तो लगभग उनके खुफिया तंत्र के माध्यम से जानकारियां उन तक पहुंच रही थी, लेकिन उन्हें मौका मिला उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने का और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने के शपथ लेने के बाद उन्होंने जो कैबिनेट की जो बैठकें की है और जो मामले संज्ञान में आए और खुफिया तरीके जो भी उन्होंने जांच पाई और जिस तरह के तथ्य उनके सामने पहुंचे उन्हीं को संज्ञान में लेकर और जो अधिकारी हैं जो जिलाधिकारी हैं सीडीओ के द्वारा जो जांच मुख्य स्वास्थ्य सचिव को जो भेजी गई थी उसी के आधार पर दोनों अधिकारियों को 30 लाख रुपए के जो बिल हैं जो लापरवाही के तहत इन दोनों अधिकारियों ने वो पास कर दिए थे उन्हीं को घोटाले में संलिप्त इन दोनों अधिकारियों को मानते हुए सीएम धामी के आदेश पर इन दोनों को निलंबित किया गया है। जी जी इंतजार यानी कि सीएम ने साफ तौर पर अब पूरे अपने खेमे में ये कड़ा संदेश पहुंचा दिया है कि कोई भी लापरवाही या फिर कोई भी ऐसी अवैध चीज या फिर कोई भी अवैध बात अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसको आरोपियों को बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा, सख्त संदेश। जी जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक्शन मोड देखने को मिल रहा है इससे कहना गलत नहीं होगा कि जो सीएम जो पुष्कर सिंह धामी जी उनके द्वारा जो कड़े फैसले लिए जा रहे हैं उनको लग रहा है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं शायद अब उनको बचाया जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो फैसले वो एक तरफ से बिल्कुल ले रहे हैं जिस तरह से अधिकारियों का निलंबन हो रहा है, इससे पहले भी एक अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है, तो जिस तरह भी जो फैसले कड़े लिए जा रहे हैं तो पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यकाल है उसको अधिकारियों के लिए अच्छी छवि
पुष्कर सिंह धामी को के सामने अधिकारियों को लानी होगी, तभी संभव होगा कि अधिकारियों को मान सम्मान मिलना। आपने बताया अभी कि एक और अधिकारी जो है पहले गिरफ्तार किया जा चुका है और अब ये दो जो अधिकारी है स्वास्थ्य अधिकारी इनको सस्पेंड किया जा चुका है। अब जो है वो जांच चल रही होगी, रिपोर्ट्स जो है जो पुराने रिकॉर्ड्स है वो खंगाले जा रहे होंगे, तो क्या लगता है कि इनके जो तार है वो कहीं और भी जुड़े हो सकते हैं? क्या इस पूरे मामले में और भी लोगों के नाम अब सामने आने की उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जो महाकुंभ घोटाले की जो जांच थी वो लगातार निरंतर सीडीओ और हरिद्वार जिलाधिकारी के माध्यम से चल रही है, जिस पर अनेकों खुलासे बार बार किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जो कड़े बड़े राजनेताओं से जुड़े हुए हैं जिनको अभी गुप्त रखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये जांच पूरी होगी और SIT में गठित होकर उस जांच को कंप्लीट रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो अन्य जो इसमें बड़े तार जो जुड़े हुए हैं शायद सभी का जो चेहरा है वो निकल कर सामने आएगा। सभी को इसमें जो अपराधी हैं सभी को सजा दिलाने के लिए पुष्कर सिंह धामी कड़े फैसले निरंतर करते रहेंगे। जी इंतजार देखिए, ये जो हरिद्वार महाकुंभ जो था ये बहुत ही ज्यादा आस्था का विषय है लोगों के लिए और समाज के लिए, क्योंकि बड़ी ही श्रद्धा से लोग वहां पर जाते हैं। चूंकि अब कोरोना चला, कोरोना का दौर है और ऐसे में कोरोना टेस्टिंग में ये घोटाला पाया गया है, तो क्या समाज में जो लोगों में क्या संदेश गया है कि अधिकारी होते हुए उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मतलब ऐसे मौकों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जो महाकुंभ है, महाकुंभ ऐसे समय महाकुंभ आया जब उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष बल्कि पूरा विश्व इस कोरोना संक्रमण की महामारी से जूझ रहा था, और उस वक्त महाकुंभ का कराया जाना भी शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती था, जिस पर स्वास्थ्य विभाग को काफी अलर्ट कर सरकार के द्वारा आदेशित किया गया था कि जगह जगह जो RT-PCR एंटीजन टेस्ट कोरोना को लेकर के हो रहे थे तो उसी का फायदा उठाते हुए कुछ अधिकारी संलिप्त पाए गए, जिनसे जो महाकुंभ का घोटाला है सबसे बड़ा घोटाला ऐसे दिया गया है कि उत्तराखंड के महाकुंभ में लोगों की आस्था से खिलवाड़ करते हुए अधिकारियों की लापरवाही से घोटाला हो जाता है। ऐसे घोटाले जरूर लोगों में विश्वास पैदा करने की बजाय उनमें डर पैदा करते हैं कि उनकी जो श्रद्धा है उनके साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी जो आस्था है उनके साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो महाकुंभ घोटाले की जांच में दो अधिकारी फंसे हैं जिनको मौके पर ही जांच में दोषी पाए जाने पर सस्पेंड कर दिया गया है। तो कड़ा संदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देने की कोशिश की है, ना कि सिर्फ अपने ही खेमे में बल्कि पूरे राज्य में, कि किसी भी आरोपी को या फिर किसी भी गैर लापरवाह किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 200 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं, अभिभावकों और अध्यापकों से वर्चुअल संवाद भी किया है। वहीं इस मौके पर उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी CM के साथ मौजूद दिखे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति की राशि को 250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने के साथ ही साथ इसके जो लाभ इन लोगों को मिल रहा है उनकी संख्या को 11 से बढ़ाकर 100 करने की घोषणा कर दी है। साथ ही उन्होंने श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति की राशि को 150 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए करने का ऐलान किया है, फैसला कर लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम में 8 ट्रेड शुरू किए गए हैं। तो राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं। पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान शुभकामनाएं भी दी हैं। तो शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ इस दौरान किया गया है। देखिए, छात्र हजारों छात्र छात्राओं ने सीधे आज संवाद किया है, सीधे हम लोगों ने उनसे संवाद किया है, और इसमें दो तीन चीजें, एक तो 10वीं और 12वीं कक्षा के जो बच्चे हैं और राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले, उनको हम लोग जल्दी ही टैबलेट उपलब्ध करवाने वाले हैं, जल्दी उनके लिए टैबलेट की व्यवस्था करेंगे। और साथ ही में जो अभी कुछ लोगों के द्वारा ये ऐसी बातें आ रही थी कि रजिस्ट्रेशन शुल्क लग रहा था उत्कृष्ट विद्यालयों में और कुछ फीस ली जा रही है ज़्यादा, ऐसी कोई बात नहीं, कोई फीस नहीं ली जा रही है, कोई शुल्क अलग से नहीं लिया जा रहा है। जो सामान्य प्रक्रिया के तहत जो उन विद्यालयों में प्रवेश होंगे, जिससे कि हमारे जो गरीब छात्र और छात्राएँ हैं जिनके पास साधन संसाधन नहीं है, वो बच्चे भी उन विद्यालयों में पढ़ पाएंगे, इसीलिए हमने वो विद्यालय बनाए हैं, इसीलिए उन विद्यालयों की स्थापना की है। इसी प्रकार से अनेकों विद्यालयों में जो हमारी छात्राएं हैं उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होती है, शौचालय नहीं होता है, हमने आज यहाँ से घोषणा करी है कि सभी में अलग से
हमारी छात्रा बहनों के लिए भी टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी। और शिवानंद नौटियाल जो छात्रवृत्ति पहले 250 रुपये मिलती थी उसको बढ़ाकर हम जो है उसको 1500 रुपये कर रहे हैं, 1500 रुपये कर रहे हैं। इसी प्रकार से उसमें छात्र संख्या भी बढ़ा रहे हैं, पहले 10 छात्र होते थे, अब वो संख्या 100 के आसपास होगी, 100 होगी। और वही चारधाम यात्रा को जल्द से जल्द बहाल करने को लेकर बद्रीश संघर्ष समिति के बैनर तले शुक्रवार को बद्रीनाथ धाम में जन आक्रोश महारैली में प्रदेश सरकार और देव स्नातम बोर्ड के खिलाफ जन सैलाब उमड़ा, जहां सैकड़ों की तादाद में जन आक्रोश देखने को मिला। बद्रीनाथ मंदिर की तरफ से बढ़ रही रैली को पुलिस ने साकेत तिराहे पर बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इस बीच कुछ देर तनाव बना रहा, लेकिन इसके बाद इस जन रैली में बामणी, माणा, पांडुकेश्वर, जोशीमठ आदि गांव के हक हकूकधारी, तीर्थ पुरोहित, पुजारी, व्यापारी, होटल व्यवसायी समेत अन्य गांव के लोग भी मौजूद दिखे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य चारधाम यात्रा को खोलने और देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का रहा। बता दें कि बद्रीश संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेश मेहता ने बताया कि चार धाम के कपाट खुलने के बाद अब तक यात्रा शुरू नहीं की जा सकी है, जिससे स्थानीय कारोबारियों, तीर्थ पुरोहितों और हक हकूकधारियों में के सामने आर्थिक संकट जो है वो पैदा होने लगा है। उन्होंने कहा कि जन आक्रोश रैली के आयोजन का मुख्य उद्देश्य माननीय न्यायालय तक जनता की बात को पहुँचाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी बारिश के कारण नदी में ज्यादा पानी आ जाने से और उसके दौरान जो क्षतिग्रस्त हैं उनको स्थलीय निरीक्षण किया है, वहां का जायजा लिया है उस इलाके का। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारी आर राजेश कुमार को नदी को चैनलाइज करने और साथ ही सड़क के क्षतिग्रस्त भाग को जल्द से जल्द ठीक कराए जाने के निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया है, हालातों का जायजा लिया है। देहरादून पहुंचकर तो तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरीके से जो सीएम धामी हैं वो जायजा ले रहे हैं और हालातों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और सरोवर नगरी नैनीताल में जिला अध्यक्ष गणेश सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की बैठक हुई। बैठक से पहले राज्य आंदोलनकारी महेश जोशी ने उत्तराखंड आंदोलनों में जान फूंकने वाले राज्य आंदोलनकारी गिरीश तिवारी गिरदा को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान उन्होंने गीत भी गाया। राज्य में आंदोलनकारियों ने सरकार के सामने मांगे रखी है और आगे के लिए रणनीति तैयार करने के लिए कहा है। इस क्रम में नए कार्यकारिणी सदस्यों का स्वागत भी किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान तय किया गया कि सितंबर महीने में शहीद स्थलों पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करना होगा। उन्होंने योजनाओं के निर्माण में बुनियादी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की जरूरत बताई है। तीरथ सिंह रावत ने यहां विकास भवन सभागार में आयोजित हुए जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में भाग लिया। यहाँ पर पहुंचे वो और योजनाओं की समीक्षा करते हुए सांसद ने बैठक में पारित प्रस्तावों के अनुपालन की स्थिति जानी और साथ ही मौजूदा समय में गतिमान विकास कार्यों की स्थिति पर चर्चा भी की है। अधिकारियों से सवाल जवाब करते हुए सांसद ने कहा कि अधिकारियों को पल्लू झाड़ने की आदत छोड़नी होगी। स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा के दौरान यहां पर सांसद ने कहा कि गरीब और असहाय पीड़ितों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना जिम्मेदारी समझकर सेवा भाव जागृत होनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी योजना तभी कारगर साबित हो सकती है जब धरातल स्थल पर काम किया जाए। तो उन्होंने अधिकारियों से विकास योजनाओं की पूरी जानकारियों से लैस रहने की जरूरत भी यहां पर जाहिर की। आपदा की दृष्टि से जनपद रुद्र प्रयाग की संवेदनशीलता को देखते हुए तीरथ सिंह रावत ने विद्युत, स्वास्थ्य, पेयजल पूर्ति एवं परिवहन विभाग से जुड़े अधिकारियों को जरूरी समाधानों के इंतजाम करने के लिए भी सख्त कह दिया है।
और 5 दिवसीय उत्तराखंड विधानसभा मॉनसून सत्र का शुक्रवार यानी कि आज 5वां दिन यानी कि आखिरी दिन रहा। इसमें रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल ने सदन में नियम 300 के तहत जिला मुख्यालय रुद्रपुर में संजय वन पार्क को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की मांग रखी। नियम 300 के तहत दी गई जानकारी में विधायक ठाकुराल ने बताया कि रुद्रपुर में नैनीताल हल्द्वानी रोड पर टांडा जंगल के पास स्थित संजय वन पार्क आम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सैलानी इस रमणीक स्थल पर रुककर विचरण कर इसकी अनुपम छटा का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन संजय वन मार्ग और संजय वन पार्क में कोई भी सुविधा नहीं होने से सैलानी वापस लौट जाते हैं। तो विधानसभा मॉनसून सत्र का 5वां दिन यानी कि आज आखिरी दिन रहा और इस दौरान संजय वन पार्क को पर्यटन घोषित करने की मांग भी उठाई गई। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड के इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए भी आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।